हाय गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मुझे लगता है कि आप बहुत खुश भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सारे के सारे वही क्वेश्चन आए, पूरा का पूरा पेपर फंसा है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, जो आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनकी हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चनों की और यहां से लगभग 5 से 6 क्वेश्चनों की गारंटी लेते हैं, वही क्वेश्चन फंसते हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ देखिए, आप जानते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है और जो कल हुआ है आप देख रहे हो, बॉटनी का थर्ड पेपर है और बीएससी सेकंड वालों के लिए। तो अभी हाल ही में छात्र ने मुझे भेजा था, कल ही भेज चुका है, लेकिन मेरे पास वो मैं देख नहीं पाता हूँ, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। तो कौन किसने कितने टाइम पेपर देगा, जैसे मैं देखता हूँ तुरंत आपको कर देता हूँ। यहाँ देखिए, बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर ए में। तो आपको ये तो पता होगा कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 2 नंबर के हिसाब से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, टोटल आपका 20 नंबर का होता है। चलो ठीक, यहाँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। देखिए, यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ आपसे ट्रू फॉल्स पूछा गया है। तो ट्रू फॉल्स मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे दिया नहीं था, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो आप लगा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मैंने आपको ट्रू फॉल्स नहीं दिया था, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसकी बात करने वाला हूं, ये क्वेश्चन मोस्ट है या नहीं ये बात आती है। ठीक है, यहां यदि बात की जाए चौथे क्वेश्चन की, ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीप्तकालीन जो निष्कर्षी पौधे होते हैं उनके आपको 2 उदाहरण देने हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, आपको पता नहीं लगा क्या, मुझे पता है। देखिए, मैंने कहा दीप्तकालीन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और दीप्तकालीन के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, मोस्ट है। और वही डे न्यूट्रल प्लांट आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन 3 टाइप होते हैं दीप्तकालीनता के, वही वो वर्ड्स बर्ड ने पूछ लिया। तो मैंने कहा ये तीनों चीजों को याद कर लेना, और विश्वास आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वीडियो पर टच कर लेना, उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए यार कि मैं झूठ नहीं बोलता। चाहते हो तो आई बटन पे भी दे दूंगा, चाहोगे तो आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप मेरा मतलब ये है कि आप जो मैं कह रहा हूं ना उस चीज को विश्वास करिए, वही क्वेश्चन रिपीट आए, कुछ बाहर से नहीं आने वाला, हमारा यही मकसद है यार। यहां देखो, उसके बाद में देखिए, 5वें क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। यहां जो बोला गया है, नाइट्रोजन को ठीक करने वाले पौधों को जड़ कोशिका में पाए जाने वाला जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है, तो आपको पता होगा जिसे लेग हीमोग्लोबिन बोला जाता है। तो लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें वर्णक, याद रखिए, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो नाइट्रोजन को ठीक करता है। यदि आप, मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था नाइट्रोजन चक्र पढ़ लेना, मैंने कहा था नाइट्रोजन चक्र पढ़ लेना, यदि आपने नाइट्रोजन चक्र पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन को याद किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल लगा के आएंगे, लेग हीमोग्लोबिन, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, देखिए सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन फंसा है। यहां देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो डीएनए अणु थे वो कह सकते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन बंधक, अब जो दोनों, देखिए दोनों किससे बॉन्ड से, तो आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं यार डीएनए के अंदर, जो डीएनए इस प्रकार से ऐसे तो होता है डीएनए का बॉन्ड, अब यहां से यहां तक ये जो बॉन्ड जुड़े होते हैं ये बीच में, ये किसके है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना था किसके द्वारा, कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, तो आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, याद रखिए, प्यूरिन और पायरिमिडीन ये दोनों होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन भी पूरा फंस गया, आप मैंने कहा था जो कह सकते हैं एपो इंजाइम बात भैया, तो अपो इंजाइम कह सकते हैं, तो अपो इंजाइम के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, आपको देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को देख रखा है, पूरे क्वेश्चन वही फंसे होंगे, एक बार रिपीट देख लेना, सारे क्वेश्चन वही फंसे होंगे। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं दिया था, छोड़ दीजिए इसको, इसको भी छोड़ दीजिए। यहां देखिए, परासरण क्या होता है, परासरण के बारे में इंपोर्टेंट दिया था, ये पूरा क्वेश्चन फंस चुका है। अब यहां देखिए, बात की जाए तो एक क्वेश्चन ये हो गया 2 नंबर का, ठीक, उसके बाद में 2 नंबर का अपो एग्जाम हो गया, एंजाइम हो गया, उसके बाद में 2 नंबर का हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और देखिए ये 2 नंबर का आपका लेग हीमोग्लोबिन हो गया, 2 नंबर का संदीप्ति हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया कितने, 1 2 3 4 5, और 5 दूनी होता है 10 नंबर, देखिए 5 दूनी होते हैं 10 नंबर, मतलब 10 नंबर आपके शॉर्ट में आ चुके हैं, वेरी शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक्शन नंबर बी में पहुंच जाओ, सेक्शन नंबर बी में पूछेंगे, और यहां शॉर्ट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जब शॉर्ट क्वेश्चनों को यहां देखेंगे तो आप देख रहे हो कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 6 नंबर का जब एक क्वेश्चन बन जाता है तो आप 3 नंबर के हिसाब से 18 नंबर का ये क्वेश्चन है, और देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन फंसे, मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूं, 150 वर्ड से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको लिखना है, टाइम ज्यादा टाइम नहीं है। यदि मैं यहां बात करूं जल विभव की, ठीक है, एक्सोमेटिक विभव की या फिर दाब विभव की, तो ऐसा मैंने कुछ टिप्पणी लिखने के लिए नहीं बोला था, लेकिन यहां जब इसकी बात आ जाती है यहां से आधे क्वेश्चन की, तो जल द्वारा अवशोषण, देखिए जो जल द्वारा जल का अवशोषण होता है, वाटर का अवशोषण होता है, वो किस प्रकार से होता है,
जड़ के द्वारा पौधों में वाटर किस प्रकार से पूरे उसके प्लांट में पहुंचता है उसके बारे में आपको बताना था, उसके विशिष्ट महत्व के बारे में बताना था। तो आधा क्वेश्चन तो यहां से क्लियर हो जाता है, लेकिन मैं इसको मानता नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, यदि आप इसको नहीं आता है कुछ, तो तीन नंबर का क्वेश्चन तो बनता है, पूरा छह नंबर का है, तो आधा करके आओगे तो तीन नंबर का तो देगा, मानता हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं सारा कुछ, लेकिन पूरा फंसेगा, चिंता मत करिए। देखिए ये क्वेश्चन पूरा फंस चुका है, किडबन प्रक्रिया के प्राणी के तंत्र का वर्णन कीजिए। लास्ट में ये क्वेश्चन बताया था, किडबन वाले में याद कर लेना। आपको विश्वास नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो हम आपको देखिए पहले से दो दिन पहले अपलोड कर रखी है, हमने कहा है कि इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन पूरा फंस चुका है, आप देख सकते हो आपका छह नंबर का क्लियर हो गया। यदि नीचे वाले क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो यहां दो में आपको केवल दो के ऊपर अंतर लिखना था, तो परासन और विसरण में अंतर, पूरा क्वेश्चन फंस चुका है, तीन नंबर के ये हो गया। और देखिए मैंने ये क्वेश्चन देखिए दीप्तकालीनता, दीप्तकालीनता के तीन भाग बताए थे अभी, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे नेचुरल प्लांट बताया था अभी, वही क्वेश्चन देखिए। और साथ ही बंसी साथ ही बोला था वंशीकरण के बारे में पढ़ लेना, ये दोनों आपको पूरा तीन तीन नंबर के हो जाते हैं, तो छह नंबर आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं, कोई इशू है नहीं है। उसके बाद में नीचे आइए और देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, इसके बारे में आपको बताना है पूरा क्वेश्चन, ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में मैंने ऊपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया, बिल्कुल लास्ट में ये क्वेश्चन बताया था ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में, याद कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, कहा था आपसे। ये क्वेश्चन आपका पूरा फंस चुका है छह नंबर का। अब आप मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही है, सारे के सारे क्वेश्चन देखिए छह नंबर का, ये पांचवा फंस गया, चौथा क्वेश्चन फंस गया, तीसरा क्वेश्चन फंस गया, तीनों लगातार फंस गए। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप, मैंने बताया था C4 चक्र के बारे में, C4 चक्र के बारे में जब आप C4 चक्र पढ़ोगे, पौधे C4 जो पौधा होता है प्लांट के बारे में बोला था, और C3 प्लांट के बारे में बोला था, इनके इनके साथ ही साथ इनके ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी सांद्रता में होने वाली पिघलन प्रक्रिया के बारे में आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं यदि हम C4 चक्र को पढ़ लेते तो, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हो आपके सामने सब कुछ है, ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन भी आप छह नंबर, आपको दिल जो करे वो कर सकते हो। उसके बाद में आप जाते हैं, देखिए पूरे 18 नंबर यहाँ क्लियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, 18 नंबर पूरे हो चुके हैं आप, और 10 नंबर ऊपर थे, 10 और 18 आप लगा सकते हैं, 28 नंबर हम तक आ चुके हैं। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें लॉन्ग क्वेश्चनों की, एक क्वेश्चन आपको करना है 12 नंबर का क्वेश्चन है, 400 वर्ड में लगभग आपको उत्तर देना है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ बोला गया है। अब देखिए यदि आठवें क्वेश्चन की ओर चले, अब ध्यान से देखना, अब देखिए यहाँ हमसे माइटोकैंडेरिया बारवे के ऑक्सीकरण के बारे में हमने इंपोर्टेंट नहीं दिया था तो छोड़ते हैं इसे, लेकिन हाँ यदि यहाँ बात की जाए क्रैश चक्र के बारे में, तो ये मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था क्रैश चक्र, ये फंस चुका है। इलेक्ट्रॉन टर्म इसका सिस्टम के बारे में और उनके संबंध बारे ये मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया, केवल इतना सा फंसा है, तो ये कितने का नंबर होगा, मान लीजिए तीन नंबर का हो जाएगा यदि यहाँ एक दो तीन भागों में इस क्वेश्चन को बांटा गया। देखिए यहां से लेकर यदि बात की जाए इसे क्वेश्चन को पहले पूरा कैसे देखते हैं, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक एक भाग हो गया इसका, इसके बाद में एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ठीक है इन दोनों भागों, तो हम यहाँ यह नहीं कहूंगा कि भाई इसका नंबर इतना होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ के बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्वेश्चन के देखिए पूरा क्वेश्चन फंसेगा, उसके बारे में नंबर जुड़ेंगे उसके कोई नहीं है। देखिए नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन चक्र हमने बताया था, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के बारे में पढ़ लेना, तो यही वो आ गया क्वेश्चन, नाइट्रोजन का यौगीकरण, स्थिरीकरण और यौगीकरण बात भाई है, कह सकते हैं यौगीकरण होता है, इसको आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए पौधों में सहजीवी यौगीकरण के जो मार्ग का चर्चा कीजिए, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यदि आपने देखिए नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण पढ़ा होगा, तो यदि आपको वो लगता है यार मैं याद नहीं करके गया, इसको भी छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं आ रहा है। लास्ट वाला देखो यार क्या दिक्कत आ रहा है, यहां बोला गया प्रोटीन के विभिन्न संरचना के बारे में, पूरा निबंध आ गया कि प्रोटीन की संरचना, वर्गीकरण, गुण, धर्म, उनका वर्गीकरण, पूरा प्रोसेस आ गया, पूरा 12 नंबर का ये फंस गया। भाई कोई इशू है मुझे बताओ, हर एक क्वेश्चन फंस रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वेश्चन को करोगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि आपको सटीक जानकारी देना, एक एक पेपर को बताना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं गया जो पेपर में फंसा ना हो, पूरा पेपर फंसा है। यदि बात की जाए लास्ट वाला क्वेश्चन की, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, हमने आपको ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बताया था, आपको बता होगा प्लांट को जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं प्लांट के अंदर की, किसी भी प्लांट को जल्दी से बढ़ाना है तो उसके लिए जिब्रेलिन या फिर ऑक्सीसिस या फिर इथाइलिन हार्मोन्स का यूज किया जाता है, दवाइयों का यूज किया जाता है। तो वही हमसे पूछ लिया है, देख लो ऑक्सीजन, कहते ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन भी बोलते हैं, ऑक्सीजन भी बोला जाता है इसको। ये क्वेश्चन इसके प्रभावों के बारे में, इनके संकेतक पर निबंध लिखना है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये ग्रोथ हार्मोन्स के लिए मैंने इथाइलिन, जिब्रेलिन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन बोला जाता है, ऑक्सीजन के इस प्रकार से सेंस बोला जाता है, ऑक्सीजन बोला जाता है इथाइलिन, ये सब ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। ये हार्मोन का कार्य करता है, जो प्लांट के अंदर यदि दिया जाए तो ये प्लांट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन 12 नंबर का फंस चुका है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करके आओगे। सारे तो फंस चुके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हमारा मकसद ये है कि आपको एक सटीक जानकारी देना और अच्छी रास्ता पे लेके जाना। आप अब लगा सकते हो 28 और 12, टोटल 40 नंबर आपके हो जाते हैं। यदि 40 इंटू मैं करूं 50 है तो 100% मतलब कि 40 × 80 मतलब कि 80% आपकी यहां से पूरा फंसा है, कुछ बाहर तो नहीं गया, मुझे बताइए। यदि आपने ये भी देखिए ऐड, यहां बात करूं ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों की, यहां देखिए यदि आप इन पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल बाखूबी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो हमने सब पढ़ा रखा है। अब जो पढ़ा रखा है उसके तो आंसर हमने दे दिए, तो आप मुझे बताइए कोई भी दिक्कत आ रही है तो कोई प्रॉब्लम तो हम सोल्यूशन करेंगे ना उसका, तो मैंने आपको किया है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए कि पेपर हैकर पर विश्वास करिए, किसी और पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो चीज देते हैं जो एग्जाम में आ रहा है, रियल चीज, और आप प्रूफ के साथ में दिखाते हैं। हम फालतू चीज नहीं दिखाते कि भाई पेपर डाल दिया और इंपोर्टेंट दे दिए, बताया नहीं बाद में, हम प्रूफ दिखाते हैं आपको। प्रूफ देख लो यार, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा वीडियो का, देखिए जो कहा वही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।